नेशनल आर्चरी सुपर सिक्स में विनर ऑफ टीम रहे हैं बने हैं नासिर से नासिर अली सीरीज मैन ऑफ द मैच 6 पॉइंट हासिल किया है। वैसे भी यूथ का क्या कहते हैं एनवाई के का भी मैं बहुत मशहूर व ममनून हूँ। डिस्ट्रिक्ट में हर जगह वो जाके हर लोगों को अवेयर बोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके साथ भी मिलके एजुकेशन ही बल्कि पूरा हमारे डिस्ट्रिक्ट को मेन करने की जरूरत है। और इंशाल्लाह जितना हमसे हो सकता है हम भी इंशाल्लाह यूथ काउंसलर जो इस साल नए हुए हैं हम सब मिलके इंशाल्लाह बहुत ही मशहूर ममनून ने किया अपना पहला केस चलाया बहुत ही खूबसूरत मौका मिले है पूरे सोशल वर्कर अपना डाला इब्राहिम नंबर 11 की तरफ से हो रही सीनियर और
आज के मेहमान खुसूसी अब्दुल हादी साहब कौंसलर तहसील कॉन्स्टिट्यूंसी और आज के इस मुकाबले को रौनक बख्शा। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी से पहले अब्दुल हादी गुजारिश करूंगा कि आप आवाम से मुखातिब होकर चंद रोशनी डालें। मोहतरम जनाब, मेरे अजीज़ दोस्त अब्दुल हादी साहब कौंसलर तयसुरु और नेहरू युवा केंद्र कारगिल और यूथ ऑफ अपाती के प्रेसिडेंट और उनके कमेटी मेंबरान और इलाकाई सोत शरबा और दोनों खिस्तानादिका यमखन डोनफोन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। शुक्र अदा करते हैं कि नेहरू युवा केंद्र कारगिल के कोऑर्डिनेटर मैडम जिगमेत पलडोन का कि उन्होंने लगातार 3 साल से हमारे इलाके में ऐसे सपोर्ट्स चलाने में हमारा सपोर्ट कर रहा है। सबसे पहले मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं और साथ ही साथ में मैं यूथ ऑफ अपाती के प्रेसिडेंट और उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के भी मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे आज एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर यहां पर दावत दिया। उसके लिए भी मेरे दिल के गहराई से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके बाद में आज की इस फाइनल में जिनने टीम्स इस ट्रॉफी में इस आर्चरी टूर्नामेंट में विनर रहा है उन सब के एरो कमांडर्स को और उनकी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ में मैं तमाम जितने भी टीमों ने इधर पार्टिसिपेट किया था हमारा इलाकाई सोच से उससे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो टीमें यहां पे आए थे बाहसियत काउंसलर मैं उन सभी टीमों के एरो कमांडर्स और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। यानी सपोर्ट से क्या हो जाता है, सपोर्ट से फिट रहता है। ये एक ऐसी सपोर्ट है जिससे हमारा कल्चर रिलेटेड है। ये इस सपोर्ट से तो ये हम सबका फर्ज है कि अपना कल्चर को प्रिजर्व करने का। इसके लिए मैं उन युवाती का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और साथ ही साथ में मैं पूरा आप सभी लोगों से खिताब होकर यही कहना चाहता हूँ कि सपोर्ट के साथ साथ हमें एजुकेशन लेवल पर भी जोर देना चाहिए। अगर हमारा एजुकेशन लेवल हमारा सही रहे तो हम मेंटली फिट रहेंगे, सपोर्ट से हम फिजिकली फिट रहेंगे। तो मेरा इल्तिजा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप लोग एजुकेशन पर भी जोर देंगे और एजुकेशन के ऐसे प्रोग्राम्स हमारा स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग या सेमिनार से काउंसलर मैं हमेशा आप लोगों का साथ हूं। और इंशाल्लाह हमने अभी हमारा सोध में ऐसी कोई एक स्टेडियम नहीं है
कि एक खुला स्टेडियम नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह कि जल्द अज जल्द मैं आप लोगों को एक स्टेडियम, इससे बड़ा एक स्टेडियम में प्रोवाइड करने का मैं भरपूर कोशिश करूँगा। और ज़्यादा मैं फिर और एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नेहरू युवा केंद्र करगिल और यूथ ऑफ अपाती के तमाम मेम्बरान और तमाम एरो कमांडर्स का जिन्होंने यहाँ हिस्सा लिया था। और मुझे पता है पिछले दो साल से ये गेम्स मैं खुद चलाता था, इसका प्रेसिडेंट मैं खुद अब्दुल हदी साहब तो हमारा मेहमान है। आपको बताते चलूँ कि हम जिस जिन्ना भी हमें थोड़ा सा रिव्यू अगर इधर से बचते तो हम स्कूल को प्रोवाइड करता है। और हम इधर से ऐलान करते हैं कि इस भीड़ का हम फायदा उठाते हुए इधर से ऐलान करते हैं कि इलाके सोद में जितने भी ऑरफेंज या यतीम रहते उस पर उधर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को एडमिशन दिया जाएंगे। और ज़्यादा मन न लेते हुए मैं आपकी इन कामों को सराहते हुए थोड़ा रिवाज दे दूंगा, आपका प्रेरणा आके यहाँ से ले अदा करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। योर मशकूर है कौंसलर तहसील कंस्टिट्यूएंसी, आपसे गुजारिश है कि आप आज के इस दिन पर अमर बने। थैंक यू। टीम की कैप्टन और उनके खिलाड़ियाँ यहाँ पे आए हुए तमाशबीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सबसे पहले मैं बहुत मशकूर व ममनून हूँ मंजूर हुसैन द ऑनरेबल काउंसलर ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी और यूथ ऑफ अपाती का कि इन्होंने आज की इस खूबसूरत इवेंट्स को दावत देते हुए आज आप लोगों के सामने दो जुमले आप लोगों के साथ पेश करने का मुझे मौका दिया। मैं दिल की अमी गहराइयों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ में मैं आज की इस फाइनल मैच में जो भी टीमों ने हिस्सा लिया, जो भी टीमों ने प्रवेश किया, उन दोनों टीमों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, चाहे वो रनर अप रहे या विनर अप रहे। जब ग्राउंड में आ जाते हैं तो एक को हारना एक को जीतना यही एक लम्हात है, ना दोनों जीत सकता है और ना दो हार सकते हैं। किसी भी कोई भी एवेंट्स हो उस एवेंट्स में हिस्सा लेना ही एक बहुत बड़ा जीत होता है। तो लिहाजा चाहे छोटे बच्चे हो चाहे यूथ हो कोई भी कहीं भी अगर कोई भी कंपटीशन होता है उसमें फ्रंट पे आके हिस्सा लेने की कोशिश करना है तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में आप बहुत आगे बढ़ सकता है। तो आज की इस इवेंट्स में जितने भी टीमों ने हिस्सा लिया था इस मुकाबले में उन सभी टीमों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। एक चीज़ पर भी पूछता हूं, मैं ये ज़रूरी समझता हूं कि इसके बारे में थोड़ा ज़िक्र करना सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़रूरी बात जो कहना है वो है एजुकेशन। कहीं भी हो जहां पर भी एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे पूरे कौम को आगे ले जा सकता है, चाहे घर में हो चाहे प्राइवेट स्कूल में हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल में हो, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हुए बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करना है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल का हो चाहे प्राइवेट स्कूल का हो। और ये आप लोगों की खुशकिस्मत की बात है जैसे कि आप लोगों के सामने एक ऐसा लीडर जो मंजूर की शक्ल में आप लोगों को दिया गया है, इसको साथ लेते हुए हर एक फील्ड में इसको डेवलपमेंट करते हुए आगे जाने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह उम्मीद है मंजूर साहब के ऊपर कि वो यूथ ही इसको पता है कि कहाँ क्या करना है, तो आप जवान इनके साथ दे के हर चीज़ को इनके सामने लाते हुए आगे जाने की इंशाल्लाह आप लोगों के यहाँ पर भी तरक्की होगा। तो जैसे कि तरफ से और यूथ तो अपाती के कोलैबोरेशन में ये मैच चला रहा है और वैसे भी यूथ तो क्या कहते हैं NYK का भी मैं बहुत मशहूर व ममनून हूँ। डिस्ट्रिक्ट में हर जगह वो जाके हर लोगों को अवेयर बोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके साथ भी मिलके
एजुकेशन ही बल्कि पूरा हमारे डिस्ट्रिक्ट को मेन करने की जरूरत है और इंशाल्लाह जितना हमसे हो सकता है हम भी इंशाल्लाह यूथ काउंसलर जो इस साल नए हुए हैं हम सब मिलके इंशाल्लाह एजुकेशन को आगे बढ़ाने में इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह ये सकाफती खेल है इसको भी जारी रखते हुए इससे क्या होता है हमारी मोहब्बत भाईचारा जो है वो कायम रहता है। ये एक ऐसा खेल है जो हमारे बाप दादाओं से खेलते हुए आ रहा है जिससे हमारे भाईचारा जो है कायम रहता है। इसको कंटिन्यू करते हुए इसको अच्छी तरह से और भी अच्छा करके इसको चलाने की कोशिश करना है। तो लिहाजा इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आज के आपके सामने एक यंग एंड एनर्जेटिक लीडर आपके सामने है इनको अच्छी तरह साथ में लेके आप यूथ एजुकेशन फील्ड में हो या हेल्थ फील्ड में हो या दूसरे तो इंशाल्लाह ये आप लोगों के साथ देते हुए हर चीज़ को डेवलप करते हुए आगे जाएंगे उम्मीद है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह ये भाईचारा कायम रखते हुए हर चीज़ पे इंशाल्लाह मंजूर हुसैन जो हमारे ऑनरेबल काउंसलर वो फील्ड को हो या हेल्थ को हो या दूसरे सेक्टर में हो डेवलपमेंट करते हुए आगे जाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज की इस टूर्नामेंट में जितने भी टीमों ने हिस्सा लिया था उन सब को मैं दिल के अमीर गहराओं से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारे नायब सरपंच हुसैन साहब आपसे गुजारिश करते हैं कि आप आगे आके अपने मुबारक हाथों से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करें। ट्रेडिशनल मैच हासिल किए हैं मोहम्मद अपना 5 पॉइंट हासिल करके आज की इस फैसले में हकदार बने हैं। 20 पॉइंट बनाकर पूरे लोकल आर्चरी नाजरीन वैली छुस्कोर खिलाड़ी उन्होंने 20 पॉइंट हासिल किए हैं सुपर 10 में। शुक्रिया। मैन ऑफ द मैच का हकदार बन 6 पॉइंट ने ही गुलाम 6 पॉइंट हासिल किया है। मैन ऑफ द सीरीज नासिर हुसैन ने ग्रीन वैली छुस्कोर की जानिब से भी हकदार बने हैं नासिर से नासिर अली। सीरीज मैन ऑफ द मैच हुसैन साहब हम काउंसलर मंजूर हुसैन छोटी निर्भर मुंतजिर मेहदी यंगेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मुंतजिर लेकर करने में कामयाब रहे हैं। इसके बाद ये हैं 9 पर बने हैं सेकंड पोजीशन इंडिविजुअल में सेकंड पोजीशन बने थर्ड पोजीशन के हकदार बने ही ट्रेडिशनल अब्दुल हादी साहब एयर कमांडर से भी अपने इनाम ले लें। विनर ऑफ टीम मॉडर्न आर्चरी एलजी योगमा। इसके बाद है ट्रेड पर 6 से ले ली ट्रेडिशनल आर्चरी सुपर 6 में विनर ऑफ टीम रहे हैं आगे आए सुशी के आखिर में आज के गुजारिश से अपना इनाम हासिल करें। शुक्रिया अब्दुल्ला हाजी साहब आज के मेहमान खसूसी हमारे बीच में थे। टूर्नामेंट का अख्तितामी